हेलो, गुड मॉर्निंग सब लोगों को। तो अभी बज चुके हैं, सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं नहा धो के अपने छत पे आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं सुबह का मौसम, थोड़ी सी धूप हो रही है। और मैं आज की वीडियो कोई टेक वीडियो नहीं होने वाली। आज की वीडियो मेरे बारे में होने वाली है कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया और मेरी उम्र क्या है और मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है और मैंने अपनी वीडियो क्यों बनाना शुरू करी। तो चलिए शुरू करते हैं, नीचे चलते हैं और फिर बात करते हैं क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। मैं आपको थोड़ा अपना कुछ पेड़ लगा रखे हैं मेरे घर वालों ने और मैंने भी, इस पे पूजा करी जाती है। और ये थोड़ा गंदा है, ये सब आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। जाते जाते सोच रहा हूँ क्यों ना एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया जाए। तो चलिए आप लोगों के लिए एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड करते हैं और फिर देखिए। तो सॉरी एवरीवन, पता है क्यों, वो ऊपर बारिश आने लग गई थी, इसी वजह से टाइम लैप्स को बीच में ही रोकना पड़ गया और मैं नीचे यहीं पे बैठ के बस ऐसी वीडियो वगैरह देख रहा था। यहाँ देखिए मेरी वीडियो चल रही है, तो मैं बस ऊपर गया और ऊपर से अपना फ़ोन लेकर आ गया। अभी तो धूप हो गई दोबारा, अब मेरा धूप में जाने का मन नहीं है जाके फिर दोबारा रिकॉर्ड करने का, क्योंकि फ़ोन भी हीट हो जाता है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं, बस ये थोड़े मेल्स का रिप्लाई कर लूँ फिर उसके बाद करते हैं। वंस अगेन हेलो एवरीवन। तो मैं आपको सबको सबसे पहले बता दूं कि मैंने इसी साल 12th पास करा है और 81% आर्ट स्ट्रीम फ्रॉम एवरग्रीन स्कूल। तो लॉकडाउन चल रहा था और घर पे कोई काम तो होता नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने दोबारा यूट्यूब चैनल को ग्रो किया जाए। वैसे मेरा यूट्यूब चैनल तो बहुत पहले से है बट उस पर कोई वीडियो मैं काफ़ी साल से, लगभग 3 साल से कोई वीडियो डाल नहीं रहा था, तो मैंने दोबारा इस चैनल पर वीडियो डालना शुरू किया है। आप देख सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते अभी, पर धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो बस इसी साल मैंने 12th पास करा है और खाली टाइम था तो मैंने सोचा दोबारा यूट्यूब चैनल नॉलेज और प्रोडक्ट्स के बारे में, और मेरा ब्लॉगिंग एक शौक कह लीजिए या पैशन, मेरे ग्रेट आइडल हैं मुंबई के निखिल, जिनकी मैं वीडियोज़ देखता हूँ, लगभग डेली ही देखता हूँ, मुझे उनकी ब्लॉगिंग बहुत अच्छी लगती है। वैसा ब्लॉगर मैं भी बनना चाहता हूँ, मे बी शायद मैं ऐसा अच्छा ब्लॉगर बन पाऊँ। तो बस इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप भी मेरी वीडियो। मम्मी और अपने नाना नानी के साथ रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं, यहाँ मैं पढ़ाई करने के लिए आया था, तो बस अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ और आप सबके लिए वीडियो ला रहा हूँ। तो आप सबके लिए अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ आती रहेंगी, अच्छी अच्छी वीडियोज़, बस थोड़ा वेट कर लीजिए क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा खुलेगा मैं बाहर भी जाऊँगा और एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊँगा दिल्ली कैसी दिखती है और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊँगा। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा सबसे पहले, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको शाम को भी दिखाऊँगा, थोड़ा बाहर जाऊँगा, तो देखते हैं। बस यही सब है मेरे बारे में। और ये मेरा स्टूडियो तो नहीं, बस ऐसे ही कंप्यूटर रूम है, तो इसको मैंने अपना स्टूडियो बना लिया। अभी थोड़ा इसको चेंजेस करूँगा मैं, मैंने जैसे ही सोचा कि बाहर चलते हैं और बाहर का कुछ देखते हैं, तो फिलहाल तो मैं सोकर उठा हूँ शाम को और आप बाहर पीछे देख सकते हैं कि क्या तेज वाली बारिश आ रखी है यहाँ पे। मैंने सोचा था बाहर जाऊंगा थोड़ा, बहुत तेज वाली बारिश आ रही है, मैं थोड़ा भीग भी गया हूँ, तो अब क्या कर सकते हैं, अब भीग तो भीग गया हूँ, बस आपको दिखाने के लिए मैं ऊपर लाया था। फिर भी मैं भीग रहा हूँ, तो मैं अब चलता हूँ जल्दी से अंदर। तो अब हम बाहर आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे मामा घर से बाहर जा रहे थे घर का सामान लेने, तो उनके साथ मैं भी बाहर चले जाऊं, तो बस उसी लिए अब मैं बाहर जा रहे हैं।
चलो देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट वगैरह। यहाँ पे मैं छाता लेने आया हूँ, तो ये अंकल मुझे छाता दिखा रहे हैं। और बारिश शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। बहुत दुकान के अंदर भी पानी आ रहा है। बाहर देखिए कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसीलिए हमने छाता ले लिया ताकि हम भीगे ना। तो बारिश रुकने तक हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। ये एक भैया की दुकान है, इस दुकान का नाम वाव बेकरी है। मैं ज़्यादातर सामान यहीं से लेता हूँ, और ये भैया बहुत सही सामान देते हैं, मतलब कि बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान देते हैं। और अब मैं घर के लिए वापस निकल चुका हूँ। आप देख सकते हैं रोड पे कैसे बारिश का पानी निकल रहा है। ये गोला डेयरी का हाल है, ये देखिए कितना तेज पानी गिर रहा है भाई साहब। साइड हो जाओ अंकल, मौसम तो बड़ा सही हो गया है, हरा हरा कूल मौसम कूल तो एकदम एकदम। साफ हो चुका है, बस अब हम घर पहुंचने एकदम वाले हैं। ज़्यादा बहुत ज़्यादा साफ हो चुका है। मेरी छत तो बहुत ज़्यादा गंदी थी, अब थोड़ा साफ हो गया है। और इधर का आपको तो मैंने सुबह दिखाया ही था सब कुछ, देखिए बहुत ज़्यादा साफ हो गया है सब कुछ। थोड़ी क्या, मैं तो भीग ही गया हूँ एक तरह से। बस तो फ्रेंड्स सॉरी, मैं आपको बाहर का व्यू ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, ना बाहर की मार्केट दिखा पाया। तो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगा। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बस कमेंट करके मुझे बताइए ये वाली छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी। थोड़ी पकाऊ सी हो गई होगी, बट कोई नहीं, आप देख लीजिए मेरी वीडियो। और दूसरी वीडियो में मैं आपको ज़रूर कुछ एंटरटेनिंग दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय 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 बाय। और मैं चल जाके बस कपड़े चेंज करता हूँ। बस पानी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि पानी तो अब भगवान ने इनको पानी दे दिया है।